हेलो किड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू नेहास फन कॉन्सेप्ट्स। सो किड्स, आज हम करेंगे इंग्लिश, माय इंग्लिश रीडर बुक पेज नंबर 6। से ई एज इन स्क्रीज। तो इस पेज पर हम पढ़ेंगे डबल एह के प्रोनंसिएशन और कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स। स्क्रीज का क्या मतलब होता है? बहुत ही लाउड नॉइज। जैसे देखो, यहाँ पर एक आदमी एक कार को चलाकर ला रहा है बहुत तेज स्पीड से और उसने ब्रेक लगाई, है ना। तो नीचे जो लाइंस है उससे हमें क्या पता लग रहा है कि एकदम से ब्रेक लगाई, बहुत तेज स्पीड से आ रही थी कार। तो जैसे कार की आवाज आती है ना ब्रेक लगाने पर, वैसे ही उस आवाज को बोला गया है स्क्रीच। तो मतलब भी समझेंगे और वर्ड को प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। बी 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 का क्या मतलब होता है? मक्खी। सी सी का मतलब होता है देखना। फ्री फ्री का मतलब होता है आजाद। ट्री ट्री का मतलब होता है पेड़। मीट मीट का मतलब होता है मिलना। फी फीट का मतलब होता है हमारे पैर। बीट बीट एक शॉर्ट फॉर्म है बीट रूट की। बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर। स्वीट स्वीट मतलब मीठा। टीथ टीथ यानी कि दांत। पील पील का मतलब होता है छिलका। फील फील का मतलब होता है महसूस करना। व्हील व्हील का मतलब होता है किसी भी व्हीकल का पहिया। जैसे देखो ये व्हील बना हुआ है। हील हील का मतलब होता है हमारे पैर की एड़ी। वीक वीक का मतलब होता है सप्ताह। सीक सीक का मतलब होता है किसी को देखना। सी सीट का मतलब होता है बीज। फीड फीड का मतलब होता है किसी को कुछ खिलाना। कीन कीन का मतलब होता है उत्सुक। सीन सीन का मतलब होता है जिसे हम देख चुके हैं। ग्रीन ग्रीन का मतलब होता है हरा रंग। बीप बीप का मतलब होता है छोटी सी आवाज। जीप जीप का मतलब होता है एक तरह की गाड़ी। डीप डीप का मतलब होता है बहुत गहरा। कीप कीप का मतलब है रखना। स्लीप स्लीप का मतलब है सोना। वीप वीप का मतलब होता है आंसू बहाना। मीप पीप का मतलब होता है झांकना, चोरी छिपे किसी चीज के अंदर झांकना। गीज गीज का मतलब होता है हंस। एक हंस को बोलते हैं गूज और एक से ज्यादा हंसों को बोला जाता है गीज। ये देखिए आपके सामने हंस बने हुए हैं ना। तो एक बार फिर से वर्ड्स को पढ़ेंगे। स्क्रीच, बोलेंगे मेरे साथ स्क्रीच। स्क्रीच बी बी सी सी फ्री फ्री ट्री ट्री मीट मीट बीट बीट Feet, feet, sweet, sweet, weak, weak, seek, seek, teeth, teeth, peel, peel, feel, feel, heel, heel, wheel, wheel, seed, seed, feed, feed, keen, keen, seen, seen, green, green, geese, geese, beep, beep, jeep, jeep, keep, keep, weep, Weep, deep, deep, sleep, sleep, peep, peep. So now, kids, we have done page number 6 of My English Reader. We have learned to pronounce the words correctly and we have understood their meanings also. So see you in the next video. Bye-bye.